Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अमीर तैमूर एसी हुंजा आप तमाम हजरात से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक जो है हुंजा में भी दाखिल हो चुका है, आपके सामने ये फैक्ट्स मौजूद हैं। केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, पॉजिटिव केसेस हर रोज़ बढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन जो है, आप हालात जो हैं, बहुत संगीनी की जानब पर रवा दवा हैं। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया, तमाम इदारे, आपका पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी हकूमती हमारे एसेट्स हैं, वो कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखना चाहूँगा कि ज़िला इंतज़ामिया ने हुंजा में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या क्या अब तक इंतजाम किए हैं और क्या क्या मेजर्स लिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने आइसोलेशन सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया है और उन पर हमने अपने पेशेंट्स को और जो लोग कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है जिनकी, उनको हमने वहाँ शिफ्ट किया है। और हमने ये चीज़ इंश्योर की है कि वहाँ जो तमाम पेशेंट्स हैं और जहाँ जो हजरात वहाँ मौजूद हैं, उनको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ से प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो फैसिलिटीज़ हेल्थ की हों, चाहे वो फैसिलिटीज़ खाने की हों। तो ज़िला इंतज़ामिया फुल कैपेसिटी में जितनी हमारी सकत है और जितनी हमारी इस्तेआत है, उसके हिसाब से हम उनको बेस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट, बेस्ट फूड की प्रोविज़न जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। इसके बाद हमने पूरे ज़िले में, पूरे जो तहसील है इधर, हमने ट्रैक एंड ट्रेस को इंश्योर किया है। इस सिलसिले में हमने जमात खाने लेवल पर एक राबता कमेटी जो है वो उनको तश्कील दी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल तक राबता हो। उसकी वजह यह है कि SOP की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। SOP की इम्प्लीमेंटेशन जब तक आवाम हमारे सपोर्ट ना करे, हमें साथ ना दे, वो नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना के केसेस जो हैं, जब तक ट्रैक एंड ट्रेस ना हो, जब लोग हमें इंफॉर्मेशन ना दे कि उनके नज़र में कोई ऐसा केस मौजूद हो जिसमें सिम्टम्स हों, या कोई ऐसा शख्स हो जिसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो, अगर वो हमें इंफॉर्मेशन ना दे तो हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। तो इस सिलसिले में राबते को बढ़ाने के लिए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमने उसको बनाया है ग्रास रूट लेवल तक, जिसमें जमात खाने की, लोकल काउंसिल की हमारी जो सपोर्ट है वो बहुत हमारे साथ अहमियत की हामिल है। और राबता कमेटी जमात खाने लेवल पर हर गांव में मौजूद है, जिससे हमारा बारहा राबता होता है। और SOP की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से लेटेस्ट जो न्यूज़ है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, हमारी जो है नज़रें उन पर मरकूज़ होती हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्री पॉइंट्स पे सारे हुंजा के हमने सख्ती की हुई है और बाहर से लोगों को हम आने नहीं देते। इस पर मेरा उन लोगों से पैगाम है जो आवाम की, जो कानून की नज़रों से ओझल होकर अगर अंदर दाखिल हो भी लेते हैं, तो मेरा उनसे ये पैगाम है और उनको वार्निंग है कि अगर ज़िले इंतज़ामिया ने आपको पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़ लिया, तो सख्त से सख्त आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने परमिट इशू करते हैं, अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन में किसी को बाहर जाना पड़ जाए या बाहर से लोगों को अंदर आना पड़ जाए, तो उसमें परमिट में भी हमने सख्ती की हुई है। हम किसी की सिफारिश वगैरह जो है उसको खातिर में नहीं लेते और इस पर पूरे मेरिट पर काम किया जाता है। और अगर किसी की कोई हेल्थ एमरजेंसी है या कोई फूड सप्लाईज़ का इशू है या कोई मेडिकल सप्लाईज़ का इशू है, उसमें हम नरमी बरतते हैं, लेकिन सैर व तफरी के लिए हम किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं देते। और बाकी टूरिज़्म, आपको पता है हुंजा जो है पूरे पाकिस्तान में टूरिज़्म का हब है और टूरिस्ट सीज़न भी मौजूद है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और हर जगह कहता हूँ कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो इस सिलसिले में टूरिज़्म को भी थोड़ा सा हमने, टूरिस्ट से भी हमने दरख्वास्त की और उनको भी हम यहाँ आने नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा केसेस आपको मौजूद है गर्मी की वजह से। अब एयर के थ्रू, हवा के थ्रू कोरोना फैल नहीं रहा है, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल रहा है। तो टूरिस्ट है वो पूरे पाकिस्तान से होके आता है, तो हमें क्या पता है वो कहाँ से उसको कोरोना लाहक हो और वो इधर आके फैला दे। तो टूरिज़्म के ऊपर भी हमने फ़िलहाल पाबंदी की हुई है और टूरिस्ट हजरात से एक होम डिपार्टमेंट की भी इंस्ट्रक्शन हैं कि उनको हम केटर नहीं कर रहे और उनको ज़िले में दाखिल नहीं होने दे रहे। ये तो हो गए चंद इकदामात जो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आवाम को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। मैसेज वो ये है कि कोरोना जो है ये एक रियलिटी है, और जब तक अब इसका कोई पायदार अमल या कोई वैक्सीन नज़र में नहीं आती, तो हमें अपनी लाइफ को इसके साथ एडजस्ट यूँ ही करना पड़ेगा।
और इस चीज़ को संजीदगी से लेना पड़ेगा। आप तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, वो बेशक अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, सारे यूरोप को उठा के देख लें, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमारे से ज़्यादा बेहतर हैं, उनकी एजुकेशन लेवल भी हमारे से ज़्यादा बेहतर है, उनके इदारे भी हमारे से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन वो भी कोरोना के सामने बेबस हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक उनके थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जब तक आवाम जो है हमारे साथ नहीं देगी, हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, हम जितने भी काविशें कर लें, जितने भी मेहनत कर लें, जितने भी इकदाम उठा लें, हम कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते। अभी तक आवाम का हमारे साथ बड़ा कोऑपरेशन रहा है, बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, उन्होंने हमारी बात को माना है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो जो है हमारे साथ तावन अपना जारी रखेंगे। इस सिलसिले में मैं बारहा आपसे इल्तजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर बिल्कुल इसकी पाबंदी करें और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लें। अगर आपको बाहर कोई काम नहीं है, अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, तो अपने घरों पर ही महदूद रहें। अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाती है, पेश आ जाती है, तो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि मास्क के बगैर हरगिज़ बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना जो है ये एक जंगी सिचुएशन है। जंगी सिचुएशन में आपको सख्त इकदाम लेने पड़ते हैं। अब ज़िले इंतज़ामिया भी सख्त इकदाम की तरफ जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास और ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। मैं दुकानदार हजरात से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क के बगैर, सैनिटाइज़र्स के बगैर अपनी दुकानों को मत खोलें। अब हमें कोई दुकान ऐसे नज़र आए जिसमें कोई ऐसा दुकानदार जिसने मास्क नहीं पहना होगा, तो हम सीधा सीधा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसकी दुकानें बंद कर लेंगे। साथ ही साथ ही राहगीरों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमने आपको देखा कि आपको सैर व तफरी के सिलसिले में आए और आपने मास्क वगैरह नहीं पहना, हम सीधा सीधा आपका चलान करेंगे, हमारे पास क्योंकि और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये तो हो गया एक अहम मैसेज। इसके बाद अब कोई फ्यूचर की बात, फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। देखें, ज़िले इंतज़ामिया की क्योंकि जंगी सिचुएशन में जो तमाम तरजीहात और अटेंशन का महवर जो है वो कोरोना ही है, तो अभी फ़िलहाल हम जो है अपनी पूरे वसाइल को बुरुएकार भी लाएंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात हम पहले भी काम कर रहे हैं, आगे भी हम पहले हम कोरोना से निपटने की कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि फ़िलहाल जो भी केसेस आ गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, तो अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाएँ, और हम ये कोशिश करेंगे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ना हो और लोकल ट्रांसमिशन जो है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके, इससे बचा जा सके। तो पहली तो हमारी अटेंशन जो है, हमारा पहला प्रेफरेंस जो है वो कोरोना से निजात है। इसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब कोरोना की सिचुएशन बेहतर हो जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं हंजा को मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हंजा टूरिज़म के नाम से जाना जाता है, तो हमारा फर्ज जो उसके इसके बाद जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो टूरिज़म के लिए होगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो हंजा आएँ, इससे जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, लोकल इंडस्ट्री जो है, लोकल इकॉनमी भी है, उसको भी बूस्ट मिलता है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जो लोकल टूरिज़म की इंडस्ट्री है, उसको जो भी सपोर्ट मुमकिन होगी वो हमेशा आपके साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ से ख़बरदार रहना पड़ेगा, ख़बरदार हमें ये रहना पड़ेगा कि जो नीचे से और बाहर से पूरी दुनिया से हंजा में टूरिस्ट आते हैं, हमारे मेहमान हैं, ठीक है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हमारे मेहमान हैं, हम हमेशा इनको और भी इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमने ख्याल इसका करना है कि टूरिज़म बढ़ता है तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसमें जो है हंजा की कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। टूरिज़म आता है, लोग आते हैं, वो साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते, कूड़ा करकट को इधर उधर फेंक देते हैं, कचरा फैलाते हैं, उससे ये है कि हंजा के जो ये कुदरती हुसन है वो ख़तरे में बढ़ता है। खुदा ने हमें एक नेमत दी है और ये बहुत बड़ी नेमत है जो किसी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन और बीइंग अवाम यहाँ के, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस कुदरती खूबसूरती को हम जो है प्रिजर्व करें, इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ताकि इससे हम ही नहीं हमारे आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा हो। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ गंदगी फैलती है या यहाँ लोग जो है साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखते या और ऐसी सिचुएशन है कि आप बाकी भी सियाती मकाम हैं उनका हाल देख लें क्या हो गया, तो हमने हंजा को वो जो दीगर सियाती मकाम हैं उनकी तरफ जाने नहीं देना और इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो एक अपना नाम है, उसको बरकरार रखना है। इसमें भी आपकी तावुन की ज़रूरत होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें भी हमारी मदद करेंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि इन बातों को सीरियसली लें, ठीक है। कोरोना जो है एक रियलिटी बन चुका है और कोरोना से आपकी जान को भी ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, पूरे पाकिस्तान की जान को ख़तरा है, तो हमने अपना भी तहफ़ करना है, अपने भाइयों का भी तहफ़ करना है, पूरे इलाके का, पूरे पाकिस्तान का तहफ़ करना है। और इंशाल्लाह अगर यही तावन एडमिनिस्ट्रेशन का और आवाम का जारी रहा
तो मैं बिल्कुल पुर उम्मीद हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन है इस चीज़ में कि जल्द अज़ जल्द हम इस बीमारी पर काबू पा लेंगे और फिर से हंजा की रौनकें बहाल होंगी, टूरिज़्म बहाल होगा, नीचे से लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, अंग्रेज़ आएंगे और यहाँ इंजॉय करेंगे और यहाँ उसी तरह जो रोशनियाँ हैं और खुशियाँ हैं वो इस इलाके में वापस आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com. gbheraldnews@gmail.com.